तो हम पढ़ रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन, और पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किसको हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन बोलेंगे इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मेल सेक्स ऑर्गन में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि एक माइक्रोस्पोर को कब हम मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन बोल सकते हैं, या किसी माइक्रोस्पोर में क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस या मॉडिफिकेशन होंगे तब हम उस माइक्रोस्पोर को क्या बोल सकते हैं, पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। तो यहां तक का अभी तक हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि एक मैच्योर एंथर जिसमें सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, वो पॉलन्स या मेल गैमेटोफाइट्स कैसे रिलीज होंगे एंथर से, और इनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, या कह सकते हैं इनका फाइनल एम क्या है इन पॉलन ग्रेन्स का। और फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट्स का रिप्रोडक्शन के अलावा क्या कोई और इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में क्या। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बहुत सरल है चूंकि, जो कि हमें पता होने चाहिए इस चैप्टर में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो मैंने आपसे ये कहा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग टेक्निकली और क्या बोल सकते हैं, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। और स्टेमेन कोई भी होगा उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, एक जो कंडक्टिंग पार्ट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट, और एक जो मेन मेल फर्टाइल पार्ट है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एंथर। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे कहा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में एक एंथर में दो लोब्स होते हैं, और हर एक लोब में दो थीकास प्रेजेंट होते हैं, और हर एक थीका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको अरेंजमेंट बताया था एक एंथर का, इन टर्म्स ऑफ लोब इसको हम लोग बाई लोब अरेंजमेंट बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ थीका हम लोग इसको टेट्रा थीकस एंथर बोलेंगे, और लोब के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, डाइथीकस। और अरेंजमेंट ऑफ एन एंथर इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन है, टेट्रा स्पोरेंजिएट अरेंजमेंट। हमने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस ज्यादातर कंडीशन में ऐसा ही होता है, हम ये कह सकते हैं 80-85% एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में बाइलोब्ड डाइथिकस टेट्राथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर प्रेजेंट होता है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, हमने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि कुछ एक्सेप्शन है जो हमें बिल्कुल नहीं याद रखने हैं, हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर प्लांट्स में जो पाए जाते हैं और हमारे सिलेबस में जो है वो हमने आपको बताया कि बाइलोब्ड होंगे, डाइथिकस होंगे और टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर होंगे। लेकिन जैसे कि मालवेसी फैमिली की अगर हम बात करें जिसमें गुड़हल वगैरह आते हैं, हिबिस्कस, इसमें बाइस्पोरेंजिएट एंथर होता है, यानी कि इसमें दो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। एक प्लांट है आर्सियोथोबियम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन प्रेजेंट होती है, इसमें सेमी थीकस कह सकते हैं कंडीशन प्रेजेंट होती है, आधा एंथर स्टराइल होगा आधा ही फर्टाइल होगा, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी थीकस। लेकिन हमने आपको बताया कि जो बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन है, मोनोस्पोरेंजिएट कंडीशन है, इसको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है हमारे सिलेबस में, कहीं दूर दूर तक नहीं है, ये कहीं पूछा भी नहीं जाएगा। सिर्फ हमें क्या याद रखना है, बाइलोब्ड डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, जो कि ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज में प्रेजेंट होगा। हमने आपको बताया कि 82-85% प्लांट स्पीसीज में जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट से फ्लावरिंग प्लांट है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम एंथर को ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट करें तो एंथर हमें इस तरीके से दिखाई देगा, एक यंग एंथर की अगर हम बात कर रहे हैं तो, अभी ये मैच्योर नहीं हुआ है पूरी तरीके से। मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहां से इसको एक इमेजिनरी एक्सिस से लाइन ड्रॉ करें तो एक लोब ये हो जाएगा, एक लोब ये हो जाएगा, तो 1-2 बाइलोब कंडीशन हो जाएगी। और इधर अगर हम सिर्फ देखें एक लोब का अरेंजमेंट थीका के रिस्पेक्ट में, तो एक थीका ये होगा और एक थीका ये होगा, ये वाला एक थीका और एक थीका ये वाला, डाइथीकस अरेंजमेंट है, और हर एक थीका के अंदर एक ये क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। इसको हम बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम एंथर के एनाटॉमी देख रहे हैं तो हमने आपको बताया कि सबसे आउटर मोस्ट
कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्टिव लेयर है। और फिर उसके बाद जस्ट बिलो द एपिडर्मिस यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, इसमें ये जो पहली लेयर है इसको हमने बोला एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के नीचे यहां पे प्रेजेंट है एक पैरेंट काइमेटस सेल की 1, 2, 3 लेयर कह सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिडिल लेयर्स। इसको मिडिल लेयर्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पे एक सिंगल लेयर नहीं है, एक से लेकर के 3 लेयर हो सकती है, इस वजह से इसका नाम ही होता है मिडिल लेयर्स। और ये सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है इसको मैं बोल रहा हूं टैपेटम, इसको मैंने बोला टैपेटम। तो आउटर टू इनर अगर हम मूव करें किसी एंथर के एनाटॉमी में, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है इसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस, एंड बिलो एपिडर्मिस यहां पे प्रेजेंट है एंडोथीसियम, डेड सेल की लेयर होगी, अभी बाद में इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है इसको हम बोल रहे हैं टैपेटम, ये जो कि एक न्यूट्रिटिव लेयर है या न्यूट्रिटिव सेल है, सेक्रेटरी सेल की लेयर है। एंड इन बिटवीन टैपेटम एंड एंडोथीसियम देयर विल बी मिडिल लेयर्स, यहां पे प्रेजेंट होगी मिडिल लेयर्स, पैरेंकाइमेटस होगी, फूड सिंथेसिस में हेल्प करेगी। तो ये 4 लेयर होगी। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो टैपेटम है, इस टैपेटम के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है एक बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमने आपको बताया था कि जब एंथर का डेवलपमेंट होता है तब से ही यहाँ पे एक बहुत स्पेशलाइज्ड कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। ये कहां से आती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से आती है। वो कहां से आती है, आर्किस्पोरियल सेल। हमने आपको बताया था कि कुछ कॉर्नर्स की मॉडिफाइड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल सेल। और फर्स्ट टाइम उसमें जब पेरिक्लिनल डिवीजन होता है तो 2 लेयर बनती है, एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल की लेयर, एक प्राइमरी पैराइटल सेल की लेयर। प्राइमरी पैराइटल सेल की लेयर ये 3 लेयर बनाती है, वॉल ऑफ एंथर डेवलप करती है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये स्पोरोजिनस टिश्यू या सेल में कन्वर्ट होती है, और जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये हमने आपको बताया था कि ये फाइनली क्या बनाएंगी, माइक्रोस्पोर्स। ये ट्रांसफॉर्म या मॉडिफाई हो जाती है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और कैलोस कार्बोहाइड्रेट का डिपोजिशन हो जाता है इनकी वॉल पे। फिर इनको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, मदर सेल या पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और फिर ये मियोसाइट्स होती है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी, और उन डॉटर सेल्स को हम लोग क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स इनिशियली 4-4 के क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि मोर कॉमनली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हमको देखने को मिलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो टैपेटम की वॉल है ये कैलियस कार्बोहाइड्रेट रिलीज करेगी, और उसकी वजह से जो माइक्रोस्पोर्स है इनके बीच में जो कैलियस कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और सारे के सारे 4 माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और हर एक इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक एक पॉलेन ग्रेन में या फिर मेल गैमेटोफाइट में। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कन्वर्जन या मॉडिफिकेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर इनटू पॉलेन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे वॉल लेयर फॉर्मेशन होता है, एक्साइन एंटाइन बनती है, फिर उसके बाद वैक्यूलेशन स्टार्ट होता है। ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स बन रहे होंगे, यानी कह सकते हैं यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होगा वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगा, और माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे ऑन मियोसिस, और फिर उसके बाद ये माइक्रोस्पोर्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, पॉलन ग्रेन्स में, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन्स में। तो ये जो सेल डिवीजन है, जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस की वजह से बन रहे हैं, और मियोसिस एक सेल डिवीजन है और एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये एंडरगोनिक प्रोसेस है, यानी कि एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। यानी हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यूज को या सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन से। कैटाबॉलिक रिएक्शन में रिस्पायरेशन से, और रिस्पायरेशन में ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करना होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स या स्पोरोजिनस टिश्यूज है या माइक्रोस्पोर्स है, इनको कॉन्टिन्यूसली इनके डेवलपमेंट के लिए, मैचुरेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डिवीजन के लिए कॉन्टिन्यूसली क्या चाहिए, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी आएंगी कहाँ से, जब इनके पास फूड और ऑक्सीजन होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनको प्रॉपर फूड, न्यूट्रिशन, वाटर, एयर क्या किया जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। और हमने आपको बताया था कि ज्यादातर चीजें कहां से कंडक्ट होंगी, फिलामेंट के थ्रू कंडक्ट होंगी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स हैं
इनके मैचुरेशन के लिए, इनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इनके डिवीजन के लिए, माइक्रोस्पोर्स बनाने के लिए इनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. इनको क्या चाहिए? फूड चाहिए. इनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. तो ये जो नरिशमेंट का काम है वो कौन करता है? ये लेयर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टैपेटम. तो जो टैपेटम है यहाँ पे इनको क्या करता रहेगा? नरिश करता रहेगा. ये मिडिल लेयर का फंक्शन क्या है? मिडिल लेयर का फंक्शन हमने आपको बताया था कि मिडिल लेयर पैरेंट गैमेट्स होंगी, बीइंग क्लोरोफिलस या फोटोसिंथेटिक इन नेचर होंगी, और ये फूड सिंथेसाइज करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. और फूड की जो सिंथेसिस है, फूड सिंथेसिस के बाद ये फूड को पास कर देंगी किसको? टैपेटम को. तो ये बात आपको बहुत बेसिक समझ में आ गई कि मिडिल लेयर ने खाना बनाया, फूड बनाया, और फूड को पास कर दिया किसमें? टैपेटम को. और टैपेटम का फंक्शन क्या है? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, सेंसाइसियल सेल्स होती है, इससे बहुत सारे या मोर देन टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. और ये जो मिडिल लेयर है इसने फूड सिंथेसाइज किया, पास किया किसको? टैपेटम को. और टैपेटम ने नरिशमेंट किया किसको? ये कह सकते हैं कि टैपेटम नरिश कर रहा है किसको? इस डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, स्पोरोजिनस सेल्स को. तो हमने आपको बताया था कि जो मिडिल लेयर है ये फूड सिंथेसाइज करने के बाद पास कर देती है उस फूड को किसको? टैपेटम को. और इसके बाद ये जो मिडिल लेयर है ये डीजनरेट कर जाती है. क्या कर जाएंगी? डीजनरेट कर जाएंगी. मिडिल लेयर ने फूड सिंथेसाइज किया, पास कर दिया टैपेटम को, उसके बाद ये मिडिल लेयर क्या होती जा रही है? डीजनरेट होती जा रही है. मैंने आपको बोला कि फूड सिंथेसिस के बाद ये जो मिडिल लेयर है ये धीरे 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 क्या हो जाएंगी? डीजनरेट कर जाएंगी. और सारे जो फूड है इसके ये कहां पे पास कर दिए जा रहे हैं? किसको दे दे रही है मिडिल लेयर? टैपेटम को दे दे रही है. और टैपेटम को देने के बाद ये जितनी भी मिडिल लेयर है ये धीरे 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 करके क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी. इनका काम खत्म हो गया. और इनका काम अगर खत्म हो गया है तो ये क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी. ये क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगी. यहां से मिडिल लेयर क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी. ये हम बात कर रहे हैं जब एंथर मैच्योर हो रहा है तब की. मिडिल लेयर पैरेंट गैमेटस है, बीइंग क्लोरोफिलस या फोटोसिंथेसिस करके फूड सिंथेसाइज करेगी और फूड पास कर देगी टैपेटम को. और फूड पास करने के बाद ये डीजनरेट हो जाएगी, मर जाएंगी. इनका काम खत्म तो ये डीजनरेट हो जाएंगी. टैपेटम के पास फूड है. टैपेटम क्या कर रहा है? नरिश कर रहा है किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को, स्पोरोजिनस टिश्यूज को. और माइक्रोस्पोर्स जब बन गए हैं तो ये माइक्रोस्पोर ट्रांसफॉर्म होंगे किसमें? पॉलन ग्रेन्स में, यानी कह सकते हैं मैच्योर होंगे. एंड ऑन मैच्योरेशन एंड डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलने लगते हैं? पॉलन ग्रेन्स बोलने लगते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स बोलने लगते हैं. तो जब पॉलन ग्रेन बन जाएगा, यानी कह सकते हैं कि सारे के सारे अगर माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाएंगे या ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे जिसमें पॉलन ग्रेन्स में या फिर मेल गैमेटोफाइट्स में, तो अब बहुत ज्यादा इन पॉलन ग्रेन्स को, चूंकि सारे के सारे मैच्योर हो चुके हैं तो मैच्योरेशन की भी जरूरत नहीं है, तो इनको बहुत ज्यादा फूड और एनर्जी की भी जरूरत नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे 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 ये जो टैपेटम है, ये जो सिक्रेटरी सेल्स है टैपेटम की, ये जो सिक्रेटरी न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, ये भी क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएंगी. ये भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएंगी. तो मैंने आपको ये बताया, दो चीजें आप लिंक करिए. मैंने आपको बताया कि मिडिल लेयर फूड सिंथेसाइज करेगी, फूड को पास कर देगी टैपेटम को, और उसके बाद डीजनरेट हो जाएगी. टैपेटम का फंक्शन क्या है? इसके बाद ढेर सारा फूड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, ये नरिश करेगी किसको? स्पोरोजिनस टिश्यूज को, सेल्स को, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को डिवाइड करने के लिए और माइक्रोस्पोर्स को मैच्योर होने के लिए. और अगर माइक्रोस्पोर्स मैच्योर हो गए सारे के सारे, तब इनको बहुत ज्यादा फूड और एनर्जी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इनको नरिशमेंट की जरूरत भी नहीं है. तो अब टैपेटम का भी काम खत्म हो गया. और जब टैपेटम का काम खत्म हो गया तो टैपेटल सेल्स भी क्या हो जाएंगी? धीरे 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 करके डीजनरेट हो जाएंगी. इनका फंक्शन नहीं है कुछ, इनका काम नहीं है कुछ, तो इनकी जरूरत भी नहीं है. और नेचर में जिस चीज का काम खत्म हो जाता है, नेचर हमेशा उसको इलिमिनेट कर देती है. जैसे आप डेथ देख लीजिए अपने रेफरेंस में, तो हम एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारी डेथ हो जाती है, हमारा काम खत्म. हमने क्या किया? अपने गैमेट के थ्रू अपने पूरे जीनोम को, सारी एलील्स को अपनी प्रोजनी में पास कर दिया. और इतना काम करने के बाद इस नेचर में, इस इकोसिस्टम में हमारा कोई रोल नहीं रह जाता है. हमारी अपनी सारी जीन किसके पास चली गई है? हमारी प्रोजनी के पास चली गई है. तो हमारा काम खत्म, नेचर हमको क्या कर देगा? इलिमिनेट कर देगा. इतना सा काम था ये. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेथ. ये हमारे लिए, आपके लिए चाहे बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल बातें हूं, लेकिन नेचर के लिए ये बहुत नॉर्मल सी चीज है. हमारा काम खत्म, हमें इलिमिनेट कर देगी नेचर. और जरूरी भी है डेथ. हमने आपको बताया कि डेथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी कि डेथ नहीं हो रही है.
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी याद आप रख सकते हैं कि डेथ क्यों जरूरी है। हमने अर्थ से या सॉइल से बहुत सारे मिनरल्स अपने बॉडी में इकट्ठा कर रखा है, उसको हमें वापस भी तो देना है, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई अनलिमिटेड स्टॉक तो है नहीं, रिसोर्स तो है नहीं, तो धीरे 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 एग्जॉस्ट हो जाएगा सॉइल से ये। तो डेथ के बाद होता क्या है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं वापस से सॉइल में। तो हमने जो न्यूट्रिएंट लिया है उसको हमें वापस देना है किसको, सॉइल को। इस वजह से भी डेथ क्या है, जरूरी है। तो नेचर हमेशा क्या कर देती है, जिनका काम खत्म उसको इलिमिनेट। इसी तरीके से यहां पे भी आप इसी को रिलेट कर सकते हैं कि मिडिल लेयर का काम खत्म, फूड बना के पास कर दिया टैपेटम को, नेचर ने मिडिल लेयर को क्या कर दिया, इलिमिनेट कर दिया, डिजर्नेट हो गए। ये जो टैपेटम की सेल्स है ये नरिश कर रहे हैं इन सेल्स को, और यहां पे सारे के सारे माइक्रोस्पोर अगर पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए, मैच्योर हो गए, तब इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो टैपेटम का भी काम खत्म, नेचर उसको भी क्या कर देगी, इलिमिनेट कर देगी, ये डिजर्नेट हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मिडिल लेयर और टैपेटम अगर हट जाएगा, तो हमने आपको बताया था कि दोनों थीका के अंदर एक एक बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर के चारों तरफ टैपेटम की वॉल है और मिडिल लेयर की वॉल है। अगर ये दोनों वॉल हट जाएंगी तो ये सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है वो इस पूरी सेल में, यानी कि इस पूरी स्पेस में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से स्कैटर्ड हो जाएंगे, इस तरीके से फैल जाएंगे, इस पूरे के पूरे स्पेस में जहां पे मिडिल लेयर और टैपेटम थी, उनके डीजनरेट होने के बाद, उनके हटने के बाद, यहाँ पे सारे के सारे जो माइक्रो पॉलन ग्रेन्स हैं जो माइक्रोस्पोर से बने हुए हैं वो इस तरीके से यहाँ पे फैल जाएंगे, खूब अच्छे तरीके से ये स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे थीका में, एक थीका ये, एक थीका ये, हर एक थीका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम थे, और मैच्योर होने के बाद ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है एक थीका के अंदर, उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई, इसके सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स इस पूरे स्पेस में स्कैटर्ड हो गए। तो एक लोब के अंदर ऐसा दिखाई देगा, ऐसा अपीयर होगा कि एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम है। वैसे तो एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो एक लोब के अंदर एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम बचेगा, इस तरीके से अपीयर होगा। मैंने आपको जब पढ़ाया था एंथर का स्ट्रक्चर, तो मैंने एक एनालॉगी दी थी आपको, एक स्ट्रक्चर दिखाया भी था, मैंने आपको बताया था कि जब यंग एंथर होगा तो वो उस तरीके से दिखाई देगा, उसमें टेट्रास्पोरेंशियट अरेंजमेंट होगा, लेकिन जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो एक लोब के अंदर एक ही यहां पे क्या दिखाई देगा, माइक्रोस्पोरेंशियम, क्योंकि यहां पे टैपेटम और मिडिल लेयर हट जाएगी मैच्योरेशन के बाद। तो हम इस पूरे, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक पूरे लोब में, एक पूरे लोब में यहां पे ये पूरा एक ही सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इस सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, और इस वजह से इस सैक को हम लोग बोल रहे हैं पॉलन सैक, इस सैक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलन सैक। तो एक पॉलन सैक इधर और एक पॉलन सैक इधर बनेगा, हम दोनों तरफ नहीं बता रहे हैं, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन या जो चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं वो इस लोब में भी हो रहे होंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो हमने आपको बताया कि इस पूरे सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर को जो एक लोब के अंदर दिखाई दे रहा है इसको हम बोल रहे हैं पॉलन सैक, इस वजह से क्योंकि इसमें क्या भरे हुए हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, या पॉलन्स भरे हुए हैं, या मेल गैमेटोफाइट्स भरे हुए हैं। इतनी बात आपको हमें लग रहा है समझ में आ गई होगी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो एंथर है, ये जो एंथर है, एंथर का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो एंथर इस तरीके से दिखाई देगा, दो लोब, और यहाँ पे स्ट्राइल कनेक्टिव की हेल्प से दोनों लोब जुड़े हुए होंगे। लेकिन हम मैंने ये भी आपको बताया था कि एक लोब में यहां पे एक ट्रांसवर्स, सॉरी, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होगा, और ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव हम जब इसको कट करेंगे तो यहां पे और यहां पे दिखाई देगा दोनों तरफ। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया, तो यहाँ पे जो थीका जुड़ेगा तो इनके दोनों के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल क्या प्रेजेंट होगा, ग्रूव। और ये भी मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रूव है ये सेपरेट करता है एक लोब के दो थीकास को, और जब एंथर मैच्योर होगा तो इसी ग्रूव के अलोंग, इसी एक्सिस के अलोंग एंथर रैप्चर होता है या बर्स्ट करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस, क्योंकि इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, डेहिसेंस। अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये जो एंडोथीसियम है
वो इस पॉइंट पे नहीं प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी दूर एंडोथीसियम नहीं प्रेजेंट है। अच्छी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंडोथीसियम तो कॉन्टिन्यू है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एंडोथीसियम नहीं प्रेजेंट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्टोमियम, स्टोमियम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे ये लेयर नहीं प्रेजेंट है इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं दोनों तरफ स्टोमियम। और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होगी, जैसे कि ये दोनों थीका हैं एक लोब के, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो पूरी लाइन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोल रहे हैं। और इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को हम लोग जब कट करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे इस तरीके से, यानी ये वाला स्ट्रक्चर। तो इस पॉइंट को जहां पे ये लेयर नहीं प्रेजेंट है एंडोथीसियम की, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टोमियम। तो हर जगह हम एंथर में देखेंगे तो चार लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। लेकिन यहां पे देखेंगे तो एपिडर्मिस उसके जस्ट बाद मिडिल लेयर प्रेजेंट होगी, यहां पे एंडोथीसियम नहीं है। तो कह सकते हैं कि हर जगह चार लेयर, यहां पे तीन लेयर, तो वीक पॉइंट कौन सा हो गया एंथर का, स्टोमियम। यानी स्टोमियम वाले पॉइंट पे एंथर ऑलरेडी क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि वहां पे चार लेयर के बजाय तीन ही लेयर या वॉल प्रेजेंट होती है। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि ये जो एंडोथीसियम सेल्स होती हैं, इन सेल्स में यहां पे लैटरल और इनर वॉल पे यहां पे अल्फा सेलुलोज की यू शेप स्ट्रिप्स या बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, यानी कि यहां पे इनकी वॉल में अल्फा सेलुलोज का यू शेप डिपोजिशन होता है। और ये जो यू शेप डिपोजिशन है ये किसका है, अल्फा सेलुलोज का। और इस डिपोजिशन की वजह से ये सेल्स कैसी होती हैं, हाइग्रोस्कोपिक होती है, ये मैंने आपको बताया था, हाइग्रोस्कोपिक होंगी ये सेल्स। कैसी होंगी, हाइग्रोस्कोपिक होंगी। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि जब वाटर ज्यादा रहेगा तो इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी ये, और जब वाटर कम रहेगा तो इस वाटर को ये क्या करेंगी, बहुत तेजी से लूज भी करेंगी। तो आप ये समझिए कि वाटर की ज्यादा, या कह सकते हैं कि बहुत रिच सप्लाई रहेगी तब जब एंथर यंग होगा, जब ये डेवलप हो रहा होगा, कहां से, फिलामेंट के थ्रू। लेकिन जब एंथर मैच्योर हो चुका होगा तो इसकी वाटर की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि वाटर का बहुत ज्यादा इसमें क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब फिलामेंट कम या वाटर की सप्लाई को बंद कर देता है तो इस एंथर के पास वाटर का स्ट्रेस कंडीशन, यानी कह सकते हैं वाटर कम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि इस हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से एंडोथीसियम की सेल जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी तो तेजी से वाटर को क्या करना शुरू कर देती है, लूज करना शुरू कर देती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर वाटर को एब्जॉर्ब करेगी सेल, वाटर है अगर एंथर में, तो इस हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से वाटर को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करेगी सेल, टर्जिड होगी, फूली होगी। लेकिन जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी तो ये तेजी से वाटर को लूज करेगी, सेल क्या कर जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगी या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये क्या है, एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस की लेयर है, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहां पे क्या प्रेजेंट है, एंडोथीसियम। ये क्या प्रेजेंट है, एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से यू शेप्ड यहां पे अल्फा सेलुलोज की क्या है, थिकनिंग है इस तरीके से। अभी वाटर ये खूब ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, अगर अगर वाटर का खूब ज्यादा इस पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो सेल क्या है, टर्जिड है, फूली है। लेकिन अगर ये वाटर लूज करना शुरू कर देगी, वाटर अगर कम होगा, अगर ये वाटर लूज करना शुरू कर दे रही है, तो वाटर लूज करेंगी तो ये सेल श्रिंक करना शुरू करेंगी। और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वॉल इतनी दूर क्या है, थिन है, थिन है ये वॉल। तो जब भी ये वाटर लूज करेंगी सेल, तो इस वॉल के अबाउट ये इस तरीके से क्या कर जाएंगी, इस तरीके से श्रिंक, और ये भी क्या हो जाएगी, इस तरीके से श्रिंक हो जाएगी, और ये सेल भी इस तरीके से क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि सेल जब श्रिंक होगी तो इधर एक फोर्स जनरेट होगा। इसमें आप समझिए इस स्ट्रक्चर में कि सेल ये श्रिंक होना शुरू कर दी जब वाटर लूज कर रहे हैं, जब भी ये सेल श्रिंक करेंगी तो ये सेल इस तरीके से इधर क्या होंगी, एक फोर्स जनरेट करेंगी। इस सेल में भी इधर क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे 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 सेल श्रिंक करना शुरू करेंगी, सेल श्रिंक करना शुरू करेंगी, इन सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से या श्रिंक होने की वजह से इधर अपोजिट साइड में एक फोर्स जनरेट होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे ऑलरेडी कह सकते हैं कि ये सेल्स नहीं थी, ये पॉइंट ऑलरेडी क्या था, वीक था।
और फिर उसके बाद सेल के कॉन्ट्रैक्ट होने या श्रिंक होने की वजह से क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे टेंशन जनरेट हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है। तो होगा क्या कि यहां से ये एंथर इस तरीके से क्या हो जाएगा, बर्स कर जाएगा या रैप्चर हो जाएगा। और अगर ये एंथर यहां से बर्स कर जा रहा है या रैप्चर हो जा रहा है, तो इसी एंथर के रैप्चर होने वाली फिनामिना को हम लोग क्या बोलते हैं, डेहिसेंस ऑफ एंथर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेहिसेंस ऑफ एंथर। और इस लाइन को हम लोग, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन था जो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो डेहिसेंस किसके अबाउट होता है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, लाइन ऑफ डेहिसेंस या लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अबाउट क्या होगा, डेहिसेंस होगा। एंड आफ्टर डेहिसेंस यहां पे सारे के सारे पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। इस तरीके से सारे के सारे पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक हमने आपको बताया कि एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योरिटी के बाद वाटर की सप्लाई क्या हो जाएगी। एक हम आपको बहुत छोटा सा माइंड मैप बना के बता रहे हैं, ये कह सकते हैं छोटा सा फ्लो चार्ट बना रहे हैं आपके लिए कि एंथर का डेहिसेंस जो है इसको हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हमने आपको ये बताया कि एंथर जो है ये जब मैच्योर हो जाएगा तो मैच्योर होने के बाद जो फिलामेंट है ये वाटर की सप्लाई डिक्रीज कर देगा या बंद कर देगा। और अगर वाटर की सप्लाई कम हो जाएगी तो जो एंडोथीसियम की सेल है, एंडोथीसियम की जो सेल है, ये क्या करना शुरू कर देंगी, वाटर लूज करना शुरू कर देंगी। और अगर वाटर लूज करेंगी तो एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद 21 पॉइंट के अबाउट स्टोमियम या फिर पूरी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ डेहिसेंस के अबाउट ये क्या हो जाएगा, एंथर रैप्चर हो जाएगा। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, डेहिसेंस बोलेंगे। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, डेहिसेंस बोलेंगे। और सारे के सारे पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन के फॉर्म में होंगे, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कुछ गाइड्स में या फिर आपके एग्जाम्स में, जिससे कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक यंग एंथर में कितनी वॉल्स होंगी। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसको, 4 वॉल्स होंगी। कौन कौन सी, अगर बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ई स्क्वायर एम टी से हमने याद कराया था, आउटर टू इनर। लेकिन एक मैच्योर एंथर की अगर हम बात करें तो कितनी वॉल्स होंगी, तो मैंने आपको बताया था कि मिडिल लेयर और टैपेटम डीजनरेट हो जाएंगी, बचेंगी कौन कौन से, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। तो दो क्वेश्चन दो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है यहाँ पे, एक ही क्वेश्चन इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि मैच्योर एंथर में कितनी वॉल्स, 2, कौन कौन सी, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। या मैच्योर एंथर में कौन कौन सी वॉल डिजनरेट हो जाएंगी, तो मिडिल लेयर और टैपेटम, मिडिल लेयर और टैपेटम। मैच्योर एंथर में एक लोब में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, एक लोब में एक ही, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोलेंगे। यह भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। और एंथर जो है, एंथर का डेहिसेंस किस लाइन के अबाउट होगा, लाइन ऑफ डेहिसेंस या लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के अबाउट होगा, या किस पॉइंट पे होगा, स्टोमियम पे होगा, क्योंकि ये वीकेस्ट पॉइंट होता है एंथर का, यहां पे एंडोथीसियम की सेल्स एब्सेंट होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी लेयर हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डेहिसेंस में कौन सी इंपॉर्टेंट वॉल ऑफ एंथर सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। तो अभी हमने आपको बताया कि एंडोथीसियम सेल्स में अल्फा सेलुलोज का यू शेप थिकनिंग स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होंगी, वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा तो वाटर को तेजी से एब्जॉर्ब करेंगी, सेल टर्जिट हो जाएंगे। अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी, कब होगी, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, वाटर की सप्लाई फिलामेंट कम कर देगा, तो तेजी से ये सेल्स वाटर को लूज करेंगी और श्रिंक हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जब सेल श्रिंक होगी तो वॉल भी क्या होगी, श्रिंक होगी। और अपोजिट डायरेक्शन में वॉल सिंक हो रही है तो स्टोमियम जो वीक पॉइंट है उसके अबाउट ये एंथर बर्स्ट कर जाएगा या रैप्चर हो जाएगा। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, डेहिसेंस बोलेंगे। तो
तो डेसेंस में एंथर के कौन सी इंपॉर्टेंट वॉल जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, एंडोथीसियम लेयर। एंडोथीसियम लेयर ये क्या कर रही है, हेल्प कर रही है किसमें, डेसेंस ऑफ एंथर में। ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया, डेसेंस ऑफ एंथर, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। और फिर एक छोटी सी बात आप ये समझिए कि अगर मैं एक बहुत एग्जैगरेटेड डायग्राम बनाऊं आपको आपके लिए एक फ्लावर का जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो टॉप मोस्ट होल्ड होता है इस पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। और ये क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ये जो कैविटी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरियन लॉक्यूल। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे ओव्यूल जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको हम लोग अगले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे थर्ड नोड पे प्रेजेंट होगा एक फिलामेंट, वर्सेटाइल फिलामेंट, और एट द एंड ऑफ फिलामेंट देयर विल बी अ वाई लोब स्ट्रक्चर व्हाट इज कॉल्ड एज एंथर, एंड दिस इज द मेल फर्टाइल पार्ट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन। हमने आपको बताया कि इस एंथर के अंदर यहाँ पे बन रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, और एंथर मेच्योर हो जाएगा तो ये एंथर रैप्चर हो जाएगा, फिनामिना को हम लोग बोलेंगे डेहिसेंस। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे एंथर से बाहर, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये रिलीज हो जा रहे हैं एंथर के बाहर। और ये पॉलन ग्रेन्स दिखेंगे कैसे, मैंने आपको बताया है पहले ही, ये आपका आपके कमरे का कर्टेन है या कह सकते हैं जो पर्दे हैं, एंटाइन का बना हुआ है। और फिर इसके बाहर यहाँ पे आपके कमरे की वॉल्स हैं, इसकी बनी है स्पोरोपोलेनिन की, और ये जगह है जहां पे आपकी वॉल में जगह छोड़ी गई थी इसको लगवाने के लिए दरवाजे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा थिकनिंग प्रेजेंट होती है कैलोस कार्बोहाइड्रेट की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जर्मपोर। और इसके अंदर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जर्नेटिव और वेजिटेटिव सेल्स। तो ये एक पॉलन ग्रेन है, तो मैंने आपको बताया कि एंथर के अंदर ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन। और एंथर मैच्योर हो जाएगा तो फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, और पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और इस रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन या इस रैप्चर ऑफ एंथर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेहिसेंस ऑफ एंथर बोल रहे हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इनका फाइनल एम क्या है, अब ये रिलीज होने के बाद जाएंगे कहां, या कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारी लाइफ के या प्लांट लाइफ के, वो हमें डिस्कस करना है। तो मैंने आपको बताया ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये या तो इस पिस्टल पे या फिर इसके जैसे किसी दूसरे पिस्टल पे, इसके जैसे इस तरीके से किसी दूसरे स्ट्रक्चर पे, यहां पे भी क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे अगले वीडियो में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। तो ये जो पॉलन ग्रेन है ये पॉलन ग्रेन या तो यहां इस रिसेप्टिव सरफेस पे लैंड कर सकता है, या फिर ये पॉलन ग्रेन्स इस रिसेप्टिव सरफेस पे क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो रिलीज है हुए है पॉलन ग्रेन्स या तो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर रिसेप्टिव सरफेस पे जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा, या फिर इसके जैसे दूसरे पिस्टल के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे ये। और इस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। मैंने आपको बोला कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन। अपने आप हो सकता है या फिर कुछ एबायोटिक एजेंसीज के थ्रू हो सकता है, या फिर कुछ बायोटिक एजेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, जैसे कि इंसेक्ट्स, हनी बीज वगैरह, एबायोटिक में जैसे एयर वाटर के थ्रू। ये हम लोग पॉलिनेशन और जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं इसको बहुत डिटेल में करेंगे अगले वीडियोज में, कुछ अगले वीडियोज में। तो मैंने आपको बताया कि ये फाइनली कहां पे पहुंचेंगे, इस रिसेप्टिव सरफेस पे जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टिग्मा या रिसेप्टिव सरफेस बोल रहे हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं। फिर जब ये पॉलन ग्रेन यहां पे आएंगे तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर यहां पे प्रेजेंट है मेल गैमेट, या फिर आने के बाद डिवाइड होंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन रिमेनिंग 40% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट स्पीसीज में ऑलरेडी यहां पे दो मेल गैमेट्स बने हुए होते हैं थ्री सेल स्टेज में, जब कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट स्टेज में होता है ये मेल गैमेटोफाइट। तो यहां आने के बाद ये जर्मिनेट करेगा और इसमें बनेंगे पॉलन ट्यूब, और ये पॉलन ट्यूब के थ्रू यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा मेल गैमेट, और यहां पे एम्ब्रायो सैक होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगा एक सेल, और ये जो मेल गैमेट आया है इस एक सेल के साथ फ्यूज करेगा, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। एक बार और इसको मैं रिकैप करा रहा हूं, ये पॉलन ग्रेन जो रिलीज हुआ है ये कहां पे आया, इस रिसेप्टिव सरफेस स्टिग्मा पे, फिर इसमें क्या बना, पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के थ्रू यहां पे मेल गैमेट ट्रांसफर कर दिया गया। इस ओव्यूल के अंदर यहां पे प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रायो सैक,
और ये जो एम्ब्रायो सेक्स फीमेल गैमेटोफाइट है इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इनफैक्ट जो हमने बोला था फीमेल गैमेटोफाइट वो इस एम्ब्रायो सेक के लिए बोला था। ओव्यूल जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे ये पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है उसी तरीके से ये एम्ब्रायो सेक जो है इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल गैमेट है। इस पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे मेल गैमेट रिलीज कर दिया जाएगा और दोनों फ्यूज हो जाएंगे। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो आप एक बात ये समझिए कि ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आएंगे या फिर दूसरे सेप के सरफेस या स्टिग्मा पे जाएंगे, फिर से पॉलन ट्यूब सर्मिनेट होगी और फिर पॉलन ट्यूब की हेल्प से मेल गैमेट इस मेल गैमेटोफाइट का इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट एक सेल के साथ क्या करेगा? फ्यूज करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे या इस रिसेप्टिव सर्फेस पे लैंड कर रहे हैं उन सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो ही। मैंने आपको ये बताया कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितने पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं रिसेप्टिव सरफेस या स्टिग्मा पे फ्लावर के वो सारे के सारे जर्मिनेट ही हो जाएं या सारे के सारे फर्टिलाइज करने के कैपेबल ही हों, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक्चुअली दिस फीमेल हैज ऑल द बेसिक राइट्स टू मेक डिसीजन वेदर दिस पॉलन ग्रेन विल जर्मिनेट और नॉट। यानी कह सकते हैं कि जो फीमेल गैमेट है, जो ये फीमेल रिसेप्टिव पार्ट है, ये डिसाइड करेगी कि ये जो पॉलन ग्रेन आया है ये जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, ये जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे एक्चुअली इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं, जिसमें पॉलन पिस्टल के बीच में ये जो पिस्टल पार्ट है ये मेनली डिसाइड करती है कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये जर्मिनेट करने के लायक है या नहीं है, यानी कंपैटिबल है या नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं जिसके चेक होने के बाद ही कोई पॉलन ग्रेन जो है वो क्या कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है ओवर द स्टिग्मा और रिसेप्टिव सरफेस। लेकिन इन कंपैटिबिलिटी इश्यूज के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस पॉलन ग्रेन के पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, उसको मैं बोल रहा हूं वायबिलिटी। मैंने ये कहा कि एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैंने क्या बोला, वायबिलिटी। इसको हमने क्या बोला? वायबिलिटी। मैंने आपसे ये कहा कि पहले तो ये फीमेल डिसाइड करेगी कि पॉलन ट्यूब बनेगा या नहीं, पॉलन जर्मिनेशन होगा या नहीं, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि इसके अलावा इस कंपैटिबिलिटी इश्यूज के चेक होने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसको हमने क्या बोला? वायबिलिटी। तो अगर वायबिलिटी को एक शब्द में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, एक सिंगल वर्ड में अगर मैं बताऊं कि किसको हम बोल सकते हैं वायबिलिटी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वायबिलिटी को एक्टिव पीरियड बोलेंगे। वायबिलिटी क्या है? इट इज एन एक्टिव पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन। वायबिलिटी को अगर एक शब्द में आप समझ सकते हैं, वायबिलिटी को और क्या बोलेंगे? एक्टिव पीरियड बोलेंगे। वायबिलिटी को मैंने क्या बोला? एक्टिव पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन। जिसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं, अगर मैं ये कहूं कि ये पॉलन ग्रेन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट्स एक्टिव रह सकते हैं, यानी कि एक्टिवनेस सिर्फ 30 मिनट्स के लिए है, और ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक आते आते एक घंटे लगा दिए। हमने आपको बताया कि ये जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं, मैंने कहा कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट्स क्या रह सकते हैं? एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन ये स्टिग्मा तक आते आते, इस रिसेप्टिव सरफेस तक आते आते एक घंटे लगा दिए, देन इट विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट एट ऑल। ये कभी भी फीमेल गैमेट को क्या नहीं कर सकता है? फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। एक घंटे में आए, दो घंटे में आए, एक दिन लगा दें, नाउ इट इज नो मोर एक्टिव टू फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट एट ऑल। ये कभी भी फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करने के कैपेबल नहीं होगा अगर इसकी एक्टिवनेस या एक्टिव पीरियड कितनी देर के लिए है? 30 मिनट्स के लिए है। तो 30 मिनट के बाद कभी भी ये पहुंचेगा स्टिग्मा पे या रिसेप्टिव सरफेस पे, देन इट विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट। कभी ये फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो मेनली हमने ये बताया कि एक स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ही किसी पॉलन ग्रेन की एक्टिविटी रहेगी, वो एक्टिव रहेगा, उसकी एक्टिवनेस रहेगी, और उसके बाद अगर ये रिसेप्टिव सरफेस पे आता है तो ये फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करने के लायक नहीं है। फीमेल गैमेट
से फर्टिलाइज करने के कैपेबल नहीं है, यानी ये अपनी एक्टिवनेस को, अपनी वायबिलिटी को लूज कर दिया है पूरी तरीके से। इतनी बात आपको समझ में आई? फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही पॉलन ग्रेन 25 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, 10 मिनट्स में इस स्टिग्मा या रिसेप्टर सरफेस तक पहुंच गया, देन इट इज कंप्लीटली फाइन, इट कैन श्योरली फर्टिलाइज द फीमेल गैमीट। ये फीमेल गैमीट से फर्टिलाइज करेगा ही करेगा, या कर सकता है कह सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि 30 मिनट्स के इसकी एक्टिविटी है, 30 मिनट्स के लिए इसकी वायबिलिटी है या एक्टिव पीरियड है, तो 30 मिनट्स के बाद आएगा तो ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता, यानी पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। और 30 मिनट्स के अंदर ही ये पहुंच गया स्टिग्मा पे या रिसेप्टिव सरफेस पे, देन इट कैन श्योरली फर्टिलाइज विद द फीमेल गैमेट। तो ये पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन की कैपेबल है या नहीं है, इसमें पॉलन ट्यूब्स जर्मिनेट होंगी या नहीं होंगी, इसी को मैं बोल रहा हूं वायबिलिटी। इसको क्या बोल रहा हूं? वायबिलिटी बोल रहा हूं। और ये जो वायबिलिटी है ये हाईली वेरिएबल है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज, प्लांट टू प्लांट वैरी करती रहती है। जैसे कि अगर हम वायबिलिटी की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखना है जो आपके बुक में दिया हुआ है, राइस एंड वीट की वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स, बट इन केस ऑफ सोलेनेसी रोजेसी फैमिली लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली जो है जिसमें टोमेटो ब्रिंजल पोटैटो वगैरह आते हैं, रोजेसी जैसे कि रोज फैमिली जिसमें एप्पल स्ट्रॉबेरीज वगैरह आते हैं, लेग्यूमिनेसी जैसे कि लेग्यूम प्लांट जैसे कि दाल वाले पौधे जितने होते हैं, मटर बीन सोयाबीन वगैरह। तो इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं इनकी वायबिलिटी जो है ये मंथ्स तक हो सकती है, एक महीने, दो महीने, कई महीने तक हो सकती है। तो फैमिली, हमने तीन फैमिली का नाम आपको बताया, एस आर एल, सरल से याद रख सकते हैं, सोलेनेसी रोजेसी और लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं इनके पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी या एक्टिवनेस मंथ्स तक हो सकती है, एक दो तीन कुछ मंथ्स हो सकते हैं। ये वेरिएबिलिटी और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है वायबिलिटी की, जैसे कि जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किस पे? वायबिलिटी पे। तो इस वजह से ये वायबिलिटी जो है पॉलन ग्रेन्स की ये हाईली वेरिएबल होती है। एक बात आप लोगों ने सुना होगा कि जो सीमेन है या स्पर्म है ह्यूमन के केस की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जो टेक्नोलॉजी होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो जो सीमेन है या जो स्पर्म है इनको हम प्रिजर्व रख सकते हैं बहुत दिनों तक, एक जो सुटेबल मेल डोनर है उससे हम उसके सीमेन को या स्पर्म को कलेक्ट करके एक सुटेबल इन्वायरमेंट में उसको सालों तक, कई दिनों तक या कह सकते हैं लगभग सालों तक उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर उसको हम लोग इंसेमिनेट करा सकते हैं किसी फीमेल के रिप्रोडक्टिव या जेनिटल ट्रैक्ट में। तो इसके लिए कंडीशन आपको याद रखना है कि लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री टेम्परेचर, माइनस में, मैंने आपको बताया कि कौन से मीडियम में, लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर कितना रखना है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हम सीमेन को फॉर अ लॉन्ग पीरियड प्रिजर्व रख सकते हैं फॉर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन द सेम सेट ऑफ कंडीशंस, सिमिलर कंडीशन में यू कैन मेक योर पॉलन वायबल फॉर ईयर्स, सालों तक अपने पॉलन्स को आप क्या रख सकते हैं? प्रिजर्व रख सकते हैं, किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और जहां पे स्टोर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं, पॉलन बैंक। और जैसे कि ब्रीडिंग वगैरह में सीड्स को भी प्रिजर्व किया जाता है, उसको हम लोग सीड बैंक बोलते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात थी कि हम अपने पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व रख सकते हैं कई साल तक या सालों तक, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री टेम्परेचर, और उस स्टोरेज को या उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन बैंक बोलेंगे। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आई किसके लिए? वायबिलिटी के लिए। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं
कि जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये रिप्रोडक्शन के अलावा भी हमारे लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर हम आपको कुछ बातें बताएं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिन्स हैं, इनके बने हुए टैबलेट्स, पॉलिन पिल्स या टैबलेट्स के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में ये एज अ फूड सप्लीमेंट यूज किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो पॉलिन पिल्स हैं या जो पॉलिन ग्रेन्स के बने हुए टैबलेट सिरप हैं, ये एथलीट्स के या स्पोर्टमैन हम कह सकते हैं, या फिर कुछ अदर एनिमल्स जैसे कि रेस हॉर्सेस वगैरह जो है, इनकी परफॉर्मेंस को इनहांस कर देते हैं, बहुत बूस्टअप कर देते हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज दीज पॉलिन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि मार्केट में बहुत सारे पॉलिन टैबलेट्स, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है बी पॉलिन्स, इंग्लैंड में बना था 30 टैबलेट्स वाला जो डिब्बा या पॉकेट पैकेट दिया है आपकी बुक में, उसको आप देख सकते हैं, जैसे कि द एनर्जी शेक, बी पॉलिन क्रीम, तो इस तरीके से बहुत अलग अलग नाम से आपको सिरप या टैबलेट या पिल्स के फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएंगी। और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, जैसे हम विटामिन की गोलियां लेते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, जैसे रिवाइटल वगैरह खाते हैं, उसी तरीके से पॉलिन पिल्स हैं। और हमने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट में। तो अगर हम पॉलिन पिल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमको पता है कि फूड के तीन ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्पोजिशन होता है इस पॉलिन पिल्स में, वो अराउंड 24 to 48% होता है। प्रोटीन का जो कॉम्पोजिशन है 7 to 26% हो सकता है, 7 to 26%। और सबसे ज्यादा इसमें सबसे कम एक्चुअली फैट प्रेजेंट होगा, ऑलमोस्ट 0.9 to 14%। तो हमने आपको बोला कि पॉलिन पिल्स टैबलेट में जो कॉम्पोजिशन है उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा 24 to 48%, प्रोटीन होगा 7 to 26%, और फैट सबसे कम होगा, लिपिड सबसे कम होगा, और ये कितना होगा 0.9 या कह सकते हैं 1 से लेकर 14% तक। ये इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। तो एक्चुअली हमको, हमें जब भूख लगती है तो क्या चाहिए, खाना, फूड। और फूड के तीन ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या तो प्रोटीन होगा उसमें, या तो फैट प्रेजेंट होगा, या तीनों प्रेजेंट हो सकता है, कोई 2% हो सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ मिनरल्स से विटामिन वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं ट्रेस अमाउंट में, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, जिससे हमारी भूख मिटती है। और पॉलिन पिल्स टैबलेट्स सिरप में भी यही तीनों चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट। तो भूख लगे तो हम पिल्स खा लें, भूख नहीं लगेगी तो हो सकता है आने वाले समय में पॉलिन पिल्स पे ही गुजारा करना पड़े, उतने ज्यादा लैंड स्पेस नहीं रह जाएंगे खेती करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जेब में पॉलिन टैबलेट्स रखेंगे, पिल्स रखेंगे पॉलिन पिल्स, जब भूख लगेगी तो 2 पिल्स 1 पिल्स निकाल के खा लिया, ये हमें क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, हमें भूख नहीं लगेगी। और आप लोग ये सुने होंगे कि जो हनी होता है, मधु जिसको बोलते हैं हिंदी में, मार्केट में जो मिलते हैं, घर में खरीद के लाया जाता है, मैं किसी ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, तो अलग अलग रेट के मिलते हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत महंगी, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ बहुत सस्ती मिल जाती हैं। तो एक्चुअली ये जो हनी है, ये महंगी या सस्ती बिकती है, इसको अच्छा खराब हम इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेसिस से बोलते हैं। एक इसके लिए एक बहुत सेपरेट ब्रांच है साइंस की, जिसको हम मेलिटोपैरिनोलॉजी बोलते हैं। एक्चुअली ये स्टडी करती है प्रेजेंस ऑफ पॉलेंस इन हनी। तो पॉलन ग्रेन्स की वजह से ही हनी की न्यूट्रिटिव वैल्यू डिसाइड की जाती है, और जितना ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होगा उतनी एक्सपेंसिव या उतनी अच्छी पॉल ये हनी मानी जाएगी, उतनी महंगी बिकेगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये हमारी लाइफ में ये एज अ फूड सप्लीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ये एथलीट्स वगैरह के या स्पोर्टमैन के या हॉर्स जो हैं, रेस हॉर्सेस जो हैं, इनके परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में यूज किए जाएंगे। और मैंने आपको बताया कुछ एग्जांपल्स, और ज़्यादातर ये वेस्टर्न कंट्रीज में अभी यूज हो रहा है रिसेंट डेज में। तो ये तो हो गए फायदे वाली बातें पॉलिन्स की। ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, कुछ पर्टिकुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीसीज के जो पॉलिन्स हैं, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत कह सकते हैं घातक भी हो सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट छोड़ते हैं कह सकते हैं, या नुकसानदायक कह सकते हैं हो सकते हैं।
जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि बहुत लोग एलर्जीज के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनको बाहर ले जाओ, कहीं गांव में ले जाओ, शहर के लोग हैं तो उनको स्नीजिंग कफिंग स्टार्ट हो जाती है, वाटरिंग स्टार्ट हो जाती है आईज में और रेडनेस हो जाती है। तो ये क्या है? एलर्जी रिस्पॉन्स है, या इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि एलर्जी है। बहुत लोग कहते हैं कि हमको इस कुत्तों से एलर्जी है, हमको इस पॉलन से एलर्जी है, हमको उस चीज़ से, ये खाना हम ये शूट नहीं पीते। तो एक्चुअली ये एलर्जी है। एलर्जी इज नथिंग, ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का ओवर रिस्पॉन्स है। हमारा इम्यून सिस्टम किसी एक फॉरेन पार्टिकल के लिए ओवर रिस्पॉन्स जनरेट करने लगता है, हाइपर एक्टिविटी शो करता है। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो एलर्जी एक्चुअली क्या है? एक हाइपर सेंसिटिविटी है, ओवर रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का, या हाइपर रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का एक छोटे से पॉलन या कह सकते हैं कि फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये हाइपर रिस्पॉन्स या हाइपर एक्टिविटी या ओवर स्टिमुलेट हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, मैंने आपको बताया कि, लेकिन अभी आपको क्या सीखना है इसमें कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स, बहुत स्पीसीज जो एनजीओस पर भी प्लांट की स्पीसीज है, उनके पॉलन ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होते हैं? बहुत नुकसानदायक होते हैं, बहुत घातक होते हैं कह सकते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं डस्ट के थ्रू या एयर के थ्रू भी, तो अगर वो डस्ट हम इनहेल कर लें तो ये पॉलन ग्रेन्स में हमारी बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ये एलर्जी कॉज करेंगे, जिसको हम पॉलन एलर्जी बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? पॉलन एलर्जी बोलेंगे। जो लोग बहुत ससेप्टेबल होते हैं एलर्जीज के लिए, उसमें कह सकते हैं कि ये ब्रोंकियल एफ्लेक्शंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, या कह सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, और बहुत क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी डेवलप करने लगते हैं धीरे 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 धीरे, जैसे इसमें अस्थमा ब्रोंकाइटिस वगैरह वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये कह सकते हैं हम लोग ये पॉलन की वजह से हो रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आप नाम याद रख सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लांट का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पार्थेनियम। तो पार्थेनियम जो है, पार्थेनियम को कॉमनली हम लोग कैरेट ड्रॉप्स बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे कह सकते हैं कि हमारे पास गेहूं या चावल की कमी थी, ये मानिए ये बात एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा था। तो मैक्सिको से वीट इंपोर्ट किया गया था हमारे देश में, इंडिया में, तो उसके साथ ये पार्थेनियम भी आ गया था, पार्थेनियम को हम मोस्ट ट्रबलसम लैंड वीट इंडिया का कंसिडर करते हैं। ये बहुत कह सकते हैं बहुत खतरनाक खरपतवार हम बोल सकते हैं इंडिया में ये, और हमने आपको बताया कि ये धोखे से आ गया था मैक्सिको से, इसके साथ वीट के साथ। और इकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी स्पीसीज का या किसी भी चीज़ का अगर कहीं पे हम इंपोर्ट करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वहाँ पे उसका अगर नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है, तो ये बहुत तेजी से क्या होता है? डेवलप होता है। तो पार्थेनियम मैक्सिको से लाया गया था, इंडिया में इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, ये तो तेजी से क्या होने लगा? ग्रो होने लगा। और ये जो पार्थेनियम का पॉलन ग्रेन है, अभी हमने बताया कि पार्थेनियम जो है ये मोस्ट ट्रबलसम लैंड एग्जॉटिक वीड है, किसका? इंडिया का कंसिडर किया गया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज करने लगा, बहुत सारे कह सकते हैं कि ये ब्रोंकियल एफ्लेक्शंस वगैरह इससे होने लगे। तो एक आप नाम याद रख सकते हैं किसको? पार्थेनियम को। पार्थेनियम को और क्या बोल रहे हैं हम लोग? कैरेट ग्रास। इसको हम लोग कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। अब वीडियो में मैं इसको क्या बताऊं, कांग्रेस ग्रास क्यों बोल रहे हैं इसको? तो मैं ये कह रहा हूं कि एक नाम आपको याद रखना है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पॉलन एलर्जी हो रही है। कौन सा प्लांट? पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, या इसको क्या बोलेंगे? कांग्रेस ग्रास बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? पॉलन एलर्जी। एलर्जी क्या है? एलर्जी मैंने आपको बताया, एलर्जी इज नथिंग, इट इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ आवर बॉडी। हमारे इम्यून सिस्टम का जो हाइपर रिस्पॉन्स है किसी एक नॉर्मल एंटीजन के लिए या किसी एक नॉर्मल फॉरेन पार्टिकल के लिए, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एलर्जी बोल रहे हैं। इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो इतना हमको पढ़ना था मेल सेक्स ऑर्गन के लिए। कंप्लीटली हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन को फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजों को रिलेट करेंगे वहां पे आप से, तो हमें पढ़ के आना है, जैसे कि फीमेल गैमेट्स को, फीमेल सेक्स ऑर्गन को, फीमेल गैमेटोफाइट्स को, जैसे कि एम्ब्रॉयो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, तो आपको हम वहाँ पे रिलेट करके बताएंगे कि मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते थे, पॉलन ग्रेन को बोलते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रिलेट होंगी,
तब हमको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आपसे ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मेल सेक्स ऑर्गन की जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो पढ़ के आना है, या कह सकते हैं कि इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, ताकि हम रिलेट कर सकें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, किसके लिए, फीमेल के लिए, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं किसके लिए, मेल के लिए। तो इतना आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे गैनोसियम, दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर।